हमारा ये सेशन फेसबुक पे भी लाइव जा रहा होगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगी सेशन के फौरन बाद। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन हजरात, एक बार फिर मुझे आपके साथ होने पर, लाइव होने पर बहुत ज्यादा खुशी है कि एक दफा फिर कुछ नई नॉलेज के साथ, कुछ नए पॉइंट्स के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मुझे यकीन है कि ये तमाम नॉलेज आपको, आपकी जिंदगी को, आपकी सोच को बेहतर बनाने में हमेशा की तरह इस मरतबा भी आपकी मदद करेगी और आगे भी इन सेशन से अपनी सोच को बेहतर करने से आप पाएंगे कि आपकी पूरी जिंदगी के अंदर बड़ी रहमतें हैं, बड़ी बरकत है, बड़ी खुशियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो एक है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपको मालूम होगा कि हम आज के सेशन से पहले भी हमने दो सेशन किए हैं कि जिसके अंदर हमने अपने माइंड के चंद फंक्शंस को समझने की हमने कोशिश की है कि हमारा माइंड वर्क किस तरह करता है, हमारी सोच किस तरह डेवलप होती है और हमारी सोच किस तरह हमें अपनी जिंदगी में बेहतरी की जानी जाने में मदद करती है या खुदा न खास्ता खराब चीजों के अंदर भी हमारी अपनी जहनियत हमारी मदद कर रही होती है। तो आज हम अपने इस सेशन के अंदर पावर ऑफ विजुअलाइजेशंस को समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे माइंड का एक इंतहाई अहम फंक्शन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर अब तक बहुत से लोग मुझे जान चुके हैं, आप में से अक्सर लोग आते रहे हैं, ये मेरी क्वालिफिकेशंस आपको नजर आ रही है सामने, लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर, लाइफ कोच, हिप्नो काउंसलर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैंने माइंड के कोर्सेज किए हैं और उसको मैं इम्प्लीमेंट भी करता रहता हूँ। और जो चीज मेरी जिंदगी के अंदर इस नॉलेज से तब्दीली लाती है वही चीज मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। और ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, ये तमाम ऐसी नॉलेज है कि जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं और जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं और जब मैंने इन पॉइंट्स को अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है, चाहे वो ट्रेनिंग में आए हो या वन टू वन कोचिंग में आए हो या काउंसलिंग के दौरान आए हो, उन तमाम ने इस नॉलेज की बदौलत अपने जहन के अंदर भरपूर असर देखा है और उनकी जिंदगी पहले के मुकाबले में ज्यादा कामयाब है और वो आज ज्यादा आगे है। ये मेरे मोहतरम उस्ताद ग्रामी है कि जिनके बगैर, जिनकी मदद के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, उनमें से चंद लोगों के नाम आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। और ये है वो मेरे मेंटोर्स के जिसके मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, उनके साथ मुझे बराह रास्त इन पर्सन पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जाने का मौका नसीब हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके दोस्त, आप में से अब तो काफी लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत से लोगों ने माइंड के बारे में ट्रेनिंग भी ली है, थोड़ा आप मुझे पार्टिसिपेट कीजिए, आपके ख्याल में विजुअलाइजेशन क्या है? मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जी कोई शेयर करें आप में से कोई भी कि व्हाट इज विजुअलाइजेशन, उसके बाद हम उसके पावर की बात करेंगे। जो अब तक मैं प्रैक्टिस और समझ पाया हूँ वो ये है कि एक परसेप्शन आप किसी चीज़ को लेकर बिल्ड करें और उसकी तमाम फीचर्स को आप इमेजिन करके इतना करें कि वो आपके लिए रियल हो जाए इन योर परसेप्चुअल स्पेस। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट विजुअलाइजेशन इज। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। जी रोजमीन, आप कुछ शेयर करेंगी, आपके ख्याल में विजुअलाइजेशन क्या है? I think whatever we see and from the physical side, that is visualization. Okay, good. I don't good know more about that. Good answer. Good answer. Okay, Iram, आप share करेंगी visualization क्या है?
आपके ख्याल में? सर, किसी चीज के बारे में सोचना, किसी, वो तो इंसान रोज ही सोच रहा होता है, विजुअलाइजेशन क्या? ओके ओके शेमिन, वुड यू शेयर सम ऑफ योर इनसाइट रिगार्डिंग द विजुअलाइजेशन? I think I'll just add to Dr. Toshif for your perception, how you visualize, how you create an image in your mind first, and okay. then like a movie or just a picture, and then you just move ahead and create it. Okay. So my next question to you, Shemin, why we do visualization? Why people do visualization? Because your mind, whenever you think of something, it just transforms into images. Your brain okay. takes it as a picture. Okay, and then what? And then it just creates an image of that picture. Like you had given us an example of an apple. And yes. when you think yes. of an apple, then automatically it doesn't convert it into words, but it converts into images. So you see that image, and that's what where the visualization becomes a technique, which is the best one to do. Absolutely. Thank you very much. Wonderful answer. Thank you. Okay. Meer, will you be able to share some insight? Sure. So everything is energy, right? So when we uh-huh. think about something, it's an energy. Now energy right. needs a form. It can't be a yes. form unless you see something, how it looks like it. So that yes. thought which you think, what you want, has to get into a form. So you have to see a picture of it. It converts the thought to a picture. And then when the picture has that feeling and that you see it every single time, how you want to visualize that, like what you see, how you want to happen. And then that picture becomes a form, and then it comes to manifestation. So that's how the process works out there. Wow, so the great. Thought energy becomes into a picture, and when you put more feeling and more view, more thought to it, like the focus on it, it becomes into a form and manifests in your life. Thank you so much. Outstanding. Friends, तमाम लोगों ने बेहतरीन जवाब दिए हैं और मेरा काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विजुअलाइजेशन क्या है। हकीकत ये है फ्रेंड्स कि जैसा कि आपने कई बार मेरी वीडियो में सुना है कि थॉट्स बिकम लाइफ, हमारी अपनी सोच ही हमारी जिंदगी बदल रही है। जो भी हम सोचते हैं दर हकीकत वो हमारी जिंदगी में रूनुमा होता है। ठीक है, आज जो ये चश्मे मैंने पहने हुए हैं, इसका जो फ्रेम है, ये मेरे विजुअलाइजेशन का आउटपुट है। मैंने ये जो ड्रेस पहना हुआ है, ये मेरे किसी ना किसी विजुअलाइजेशन का आउटपुट है। आज मेरे जो हालात हैं अपनी जिंदगी के, सबसे बढ़कर वो हालात दोस्तों आपकी आपकी जिंदगी को बनाते हैं या आपकी जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह अभी शमिन ने कहा, मीर ने कहा, डॉक्टर तौसीफ ने कहा कि इंसान जो भी सोचता है, सोचने से पहले ही उसके जहन के अंदर विजुअल्स आना शुरू हो जाते हैं, इमेजेस आना शुरू हो जाते हैं, पिक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो हम कहते हैं कि थॉट्स बिकम लाइफ, उसका मतलब ये है कि इंसान की सोच वजूद रखती है, इंसान की सोच एग्जिस्टेंस में आ सकती है। इंसान जो कुछ भी सोचता है वो उसके जिंदगी के अंदर रुनुमा होता है। अंग्रेजी में अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं व्हेन यू कैन होल्ड समथिंग ऑन योर हेड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। जिस तरह से ये मोबाइल आज मेरे हाथ में है, ये मोबाइल किसी ना किसी का विजुअलाइजेशन था, किसी ने अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज किया और आज मेरे हाथों में है। ठीक है, ये कंप्यूटर जिसके अंदर बैठे हुए हैं आप, जो आप जिसके जरिए आप मुझसे रापता कर रहे हैं, ये किसी का विजुअलाइजेशन था। इंटरनेट किसी का विजुअलाइजेशन है। दुनिया में जितनी भी चीजें दोस्तों हो रही है, वो आपका विजुअलाइजेशन का आउटकम है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब जरा गौर कीजिए कि आज आपकी जो भी सेहत है वो आउटपुट है आपके विजुअलाइजेशन का। अगर आप अपनी सेहत से खुश हैं तो ये आपके विजुअलाइजेशन का आउटपुट है।
और अगर आज आप बीमार हैं, आज आप सेहतमंद नहीं हैं, आज आपको बार बार हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो ये बीमारियां भी आपकी अपनी ही विजुअलाइजेशन का आउटकम है दोस्तों। इसी तरह हम वेल्थ में देख लें, हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में देख लें। अगर तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से मुतमईन हैं, तो अगेन वो आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी सोच का ही नतीजा है। और अगर आप अपने माली हालात से मुतमईन नहीं है, आपको लोगों से मदद लेनी पड़ रही है, आपको कर्जे उठाने पड़ रहे हैं, अगर आपको लोन्स उठाने पड़ रहे हैं, तो इसकी वजह, वाहिद वजह आपकी अपनी विजुअलाइजेशन और आपकी अपनी सोच है। इसी तरह रिलेशनशिप में देख लें, अगर आज आपकी रिश्तेदारियां मजबूत है, बेहतर है, चाहे वो हस्बैंड से हो, वाइफ से हो, फादर से हो, मदर से हो, अपने सिबलिंग से हो, अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ हो, अगर तो आपके ये रिश्तेदारियां मजबूत है, तो आप अपनी विजुअलाइजेशन को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपकी रिश्तेदारियां अच्छी नहीं है, तो विजुअलाइजेशन तो उस मायनों में भी अच्छी हो रही है, मगर वो आप जो भी उसके पीछे सोच रखते हैं, दरअसल वही आपकी जिंदगी के अंदर रूनुमा हो रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों, कि इंसान की सोच ही उसकी जिंदगी को बनाती है या बिगाड़ती है। और इंसान की सोच में ह्यूमन माइंड का एक फंक्शन है कि उसको विजुअलाइजेशन करना ऑटोमेटिकली बहुत पसंद है। इंसान ज्यादातर विजुअलाइजेशन करता ही रहता है, अपनी जो भी सोच होती है उसका वो विजुअलाइज करता रहता है। हर लव जो वो अदा कर रहा है, उससे पहले उसका जहन विजुअल्स को क्रिएट करता रहता है। तो अगर तो आप अपने हालात से मुतमईन हैं, तो आप जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं बड़ा फ्रूटफुल है, आप उसको मजीद भी आगे बढ़ा सकते हैं। विजुअलाइजेशन की खास बात यह है दोस्तों कि विजुअलाइजेशन को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, विजुअलाइजेशन को अपने मुस्तकबिल के लिए रोशन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तामीर किया जा सकता है। अगर आप हेल्दी हैं और आप चाहते हैं कि मजीद हेल्दी बने, आप उस तरह का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और थोड़े ही अरसे में आपकी बॉडी वही शेप ले लेगी जिसका आप विजुअलाइज कर रहे हैं। अगर आप अपनी वेल्थ को मजीद बेहतर करना चाहते हैं, अपनी आमदनी को, अपनी इनकम को बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच के अंदर अमीर होना होगा। आपको अपने विजुअलाइजेशन को इतना मजबूत करना होगा कि आपका विजुअलाइजेशन आपको एक्शन लेने में आपकी मदद करे। इसी तरह रिलेशनशिप भी अगर बेहतर है और बेहतर करना है, आप अपने विजुअलाइजेशन को और बेहतर कर सकते हैं। और अगर खुदा ना करे, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, अगर आपके माली हालात अच्छे नहीं है, अगर आपकी रिश्तेदारी अच्छी नहीं है, तो भी दोस्तों आप विजुअलाइजेशन के जरिए उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को, वेल्थ को, रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम अपने इस सेशन के अंदर मैं पूरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आप विजुअलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, अपने विजुअल्स को अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के लिए किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, उसकी मैं आज आपको चंद टिप्स दे रहा हूँ। और ये जो विजुअलाइजेशन मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, उसके कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ, एंड के अंदर आप में से एक या दो लोगों को मौका भी मिलेगा कि मैं उनको विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने में आपकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप मुझे है अपना डिजिटल हैंड रेस करके बताइए, कितने लोग आज के इस सेशन के आखिर में चाहते हैं कि मैं उनके लिए कोई विजुअलाइजेशन बनाने में उनकी मदद करूं, कि जहां पर वो है वहां से 10 गुना ऊपर जा सके। जी, तौसीफ सेज यस, थैंक यू, थैंक यू। रोजमीन सेज यस, सना सेज यस, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके, गुड। अच्छा, दो ही लोगों के हाथ उठे हैं, एमन, एमन का भी उठ गया, रोजमीन का नहीं है, किरम का नहीं है, शिमिन एंड मी। ओके, आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो खुद विजुअलाइज कर रहे होंगे, क्रिएट भी कर रहे होंगे, आई एम श्योर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको उसका पूरा मेथड बताऊं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूं,
कुछ चीजें मैंने नोट की थी जिस तरह जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है. एवरीथिंग क्रिएटेड ट्वाइस इन माइंड, ये भी आपने देख लिया. थिंकिंग प्रोसेस नेवर स्टॉप. आप जानते हैं दोस्तों कि जिस तरह हमारी हार्ट बीट चलती रहती है, जिस तरह हमारे लंग्स फ्लैट और डिफ्लैट होते रहते हैं, हमारी सांसें आती जाती रहती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन आता जाता रहता है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने जहन को जो कुवत दी है वो सोचना है. इंसान का जहन 24 घंटे सोचता ही रहता है. यहां तक कि जब हम सोते हैं तो सोने में ख्वाब भी कोई ना कोई आ रहे होते हैं और उन ख्वाब को भी इंसान सोच रहा होता है. तो हमारी थिंकिंग तो कभी भी स्टॉप नहीं होती है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इट ऑलवेज वर्क इन इमेजिनेशन. जब हम सब ये बात जान गए हैं कि हमारे माइंड का जो सबसे कीमती फंक्शन है वो ये है कि वो हमेशा इमेजिनेशन करता रहता है, तो क्यों ना हम अपने इस इमेजिनेशन को अपनी जिंदगी को तामीर करने के लिए करें. क्यों फजूल के अंदर हम अपने इन विजुअलाइजेशन को बीमारियों के लिए, गुर्बत के लिए, झगड़े के लिए, नाकामी के लिए हम करते हैं? क्योंकि विजुअलाइजेशन तो इंसान 24 घंटे कर रहा है. 24 घंटे दोस्तों इंसान विजुअलाइज कर रहा होता है. मगर अगर हम ये तरीका सीख लें आज कि विजुअलाइजेशन करना कैसे अपनी फेवर के अंदर, तो आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, अपनी स्टडीज, अपने प्रोफेशन, अपने मजहब, अपनी रूह, तमाम चीजों के अंदर बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं. और एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो जंगलात होते हैं, जंगल होते हैं, मुझे आप में से कोई पार्टिसिपेट करें. जी सना, अगर आप जरा ऑनलाइन आए मुझे बताएं कि कभी आपने कोई जंगलात या ऐसी कोई जगह देखी है जहां कभी. जी सना, आपको आवाज आ रही है? मुझे बताएं कभी कोई जंगल देखने का मौका मिला है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, दूर से देखते हैं. ओके, क्या नजर आता है जब आप जंगलों को दूर से देखती हैं? सर बड़े बड़े दरख्त, घने घने, ऐसा लगता है कि और मतलब दरख्त होते हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा होता. ओके ओके, अमूमन क्या होता है कि जो जंगलात होते हैं खुद ब खुद बन गए होते हैं. ठीक है, जो जंगल है जहां पर सिर्फ जमीन पड़ी हुई है, जहां पर कोई इंसान नहीं बसता, वहां आपको क्या नजर आएगा? सिर्फ वही, कुछ भी नहीं, शायद झाड़ियां, कांटेदार जी, ठीक है ना, बिल्कुल गंदगी. अब आप मुझे बताइए, अगर आपने ट्रेवल किया हो, हम में से अक्सर लोग ट्रेवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, आपने देखा होगा कि कितनी बंजर जमीनें पड़ी होती है, कितनी जमीन खाली होती है, वहां कांटेदार दरख्त उगे हुए होते हैं, वहां कांटेदार झाड़ियां उगी हुई होती है ना. कभी अगर आप देखें कि कभी किसी की कभी कोई प्लॉट खरीदता है, ठीक है ना, कभी कोई प्लॉट खरीदता है, अगर बहुत अरसे तक उस पर काम ना हो तो क्या हो जाता है? खुद ब खुद बहुत बेकार की झाड़ियां और घास फूस उगाती उगने लग जाती है. तो इससे आपने क्या समझा? इससे समझा कि अगर हम खुद जमीन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो उसके ऊपर खराब चीजें उगने लग जाएंगी, अगर हम खुद अच्छा भी नहीं करेंगे. एक्सीलेंट, वेरी गुड सना, आउटस्टैंडिंग. दोस्तों सना ने बेहतरीन हम सबको ये नॉलेज दी है कि अगर जो जमीन आपके पास है, अगर आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उस जमीन को वैसे ही रहने दें, कोई काम ना करें, घास फूस झाड़ियां कांटे खुद ब खुद उगाएंगे, ठीक है. मगर अगर आप बाग, खूबसूरत बाग लगाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप बाग लगाना चाहते हैं, रंग बिरंगी फूल लगाना चाहते हैं, खुशबूदार दरख्त और खुशबूदार फल लगाना चाहते हैं, उसके लिए हर इंसान को काम करना पड़ता है. अब आप मुझे बताइए, जो मैंने कहा कि हमारा जहन कभी भी सोच से खाली नहीं होता, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम पॉजिटिव थॉट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? तो इन जो आसपास सराउंडिंग्स में थॉट्स हैं ऑटोमेटिक जाने लग जाएंगी. ज्यादातर नेगेटिव ही है. अगर सराउंडिंग नहीं भी है तो भी क्या होगा?
सर खाली दिमाग शैतान की दुकान. Absolutely. Negative thoughts, negative visualization spread, negative visualization चलता रहेगा. और जिसको जान छुड़वाने के लिए, जिससे आजादी के लिए आज मैं और आप जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? ठीक है ना? तो अगर याद रखिए, ये तो कुदरत का कानून है दोस्तों. जब इंसान इस दुनिया के अंदर जिंदगी हासिल करता है, वजूद हासिल करता है, तो उसका जहन बिल्कुल ब्लैंक होता है. ठीक है? और जैसे जैसे वो ग्रो करता है, उसके वालदेन, उसके रिश्तेदार, उसके सिबलिंग्स उस जमीन को उगाने में, बढ़ाने में, नर्चर करने में उसकी मदद करते हैं. मगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, उसके थॉट्स तब्दील होते रहते हैं. वो अब चूंकि घर से बाहर निकलने लग गया है, दुनियादारी देखने लग गया है, तो इंसान बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो नेगेटिविटी की जानी गामजन हो जाता है. और जब इंसान किसी नेगेटिविटी के अंदर गामजन होता है, तो उसके जहन के अंदर कांटेदार झाड़ियां उग जाती है, जंगलात उग जाते हैं, जो फिर बाद में पूरी उसकी कटाई करने में, उसको दूर करने में, और अपने जहन के अंदर खूबसूरत बागात और खूबसूरत ख्याल को उगाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हासिल करनी पड़ती है, अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, अपनी तवानाई को खर्च करना पड़ता है. तो अगर हम अपने घर के अंदर इस तरह के सेशंस देखकर, इस तरह की ट्रेनिंग लेकर, अपने स्कूलों के अंदर इस तरह की ट्रेनिंग डेवलप करके, अगर हम अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपने आप को, उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स की मदद करें, तो आप अंदाजा लगाइए कि हम सबकी जिंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी. क्योंकि ये अल्लाह का कानून है दोस्तों. अगर आपने अपनी हमवार जमीन पे काम नहीं किया, तो बस याद रखिए, कांटेदार झाड़ियां खुद ब खुद पैदा हो जाएगी. और ये कांटेदार झाड़ियां क्या है? ये है बीमारी, ये है गुर्बत, ये है भूख, ये है अफलास, ये है झगड़ा, ये है बर्बादी, ये है नाकामी दोस्तों. तो ये जितने भी रिजल्ट्स आज हम नेगेटिव हासिल कर रहे हैं, वो दरअसल उन झाड़ियों का नतीजा है कि अब वो झाड़ियां इतनी बड़ी हो गई है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 सालों तक उस पर कोई भी काश्त नहीं की गई है, उन जमीनों को हमवार नहीं किया गया हमारे अपने जहनों की. तो आज वो चुभ रही है, आज वो कांटे चुभ रहे हैं हमारी जिंदगी के अंदर, आज वो हमारे रिश्तेदारियों को डैमेज कर रहे हैं, आज वो हमारे माली हालात को डैमेज कर रहे हैं, आज हमारे अंदर से वो सारी खूबियों को छीन रहे हैं. तो आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास विजुअलाइजेशन की अहमियत कितनी है. क्योंकि इंसान की जिंदगी बन भी सकती है, इंसान की जिंदगी खत्म भी हो सकती है. इस विजुअलाइजेशन की बिना पर इंसान आबाद भी हो सकता है, और अल्लाह ना करे बर्बाद भी हो सकता है. तो अगर आज तक आपको ये नहीं पता था कि हम अपने विजुअलाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह की रहमत समझ लीजिए कि मैं और आप आज एक डिवाइन कनेक्शन के साथ जुड़ गए हैं. कि जहां पर मैं आपको विजुअलाइजेशन कैसे बनते हैं, कैसे कर सकते हैं आप, वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं इंशाल्लाह. तो हम आगे बढ़ेंगे. ओके, पॉजिटिव इमेजिनेशन टेक टाइम. जिस तरह मैंने बताया ना, अब इतनी बड़ी जिंदगी हो गई है हमारी, ठीक है ना, 25 साल, 30 साल. अभी जितने भी मेरे सामने लोग बैठे हैं, आई एम श्योर मिनिमम एज आपकी 25 साल होगी या उससे ज्यादा ही होगी. तो अगर 25 सालों से हमें नेगेटिव थिंकिंग की आदत है, वो कांटेदार दरख्त जो है वो इतने बड़े हो गए हैं कि अब जाहिर उनकी कटाई के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, है ना. सिर्फ ना सिर्फ हमें कटाई करनी है, बल्कि बेहतर खूबसूरत फूलों को भी तो उगाना है उसके अंदर. तो जंगल ग्रोज ऑटोमेटिकली, याद रखिए, हाउएवर गार्डन नीड्स टू ग्रो बाय वर्किंग. वन सिंगल नेगेटिव विजुअलाइजेशन कैन डैमेज योर एंटायर लाइफ. जी जी, वो हम जी, अब आ रही है जी. जो सबसे बड़ा हमारा मसला होता है ना, कि वो हम एक नेचुरल ट्यून्ड होते हैं रिस्क अवर्जन के लिए. तो हम सारा वक्त
इस चीज को सोचने में कि क्या नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है पे इतना ट्यून्ड हो जाते हैं कि वो नेगेटिविटी फिर हर चीज के अंदर आती चली जाती है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एब्सोल्युटली, यहाँ पर हम इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। जो आपने चूजिंग पर्सनल फ्रीडम में सेल्फ टॉक सीखी थी, कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं, कौन से वर्ड इस्तेमाल नहीं करने हैं, ठीक है ना, तो ये आपने प्रैक्टिस भी की थी और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि इस विजुअलाइजेशन के अंदर इंसान की अपनी सेल्फ टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर हम सेल्फ टॉक को भी इम्प्रूव कर लें तो हमारी अपनी विजुअलाइजेशन बेहतर हो जाएगा। जिस तरह अब चूंकि डॉक्टर तौसीफ ने मेरी तवज्जो दिलाई है तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको यहाँ पर देता चलूं कि हम अक्सर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं बीमार ना पड़ूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे गुर्बत नसीब ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरा नुकसान ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरे कोई झगड़ा ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरा कोई कुछ बिगाड़े ना। अब दोस्तों ये जितनी भी लैंग्वेज मैंने यूज किए, भी जैसे डॉक्टर कौशिक ने इशारा किया, अब जब इंसान के जहन के अंदर ये सिग्नल जाता है कि मैं चाहता हूं कि मैं बीमार ना पड़ूं, तो इंसान का जहन इमीडिएटली बीमारियों के इमेजिनेशन को क्रिएट करना शुरू कर देता है, बीमारी को विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देता है। क्योंकि बीमारी आएगी तो ही तो जाएगी ना, मगर उसका कसूर उसके जहन का नहीं है, उसकी अपनी कमांड का है, उसकी अपनी सोच का है, अपने इंस्ट्रक्शंस का है जो वो अपने माइंड को दे रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा नुकसान ना हो, तो नुकसान ना करने के लिए माइंड को सबसे पहले नुकसान को विजुअलाइज करवाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम बजाय ये कि क्या नहीं चाहिए, हम विजुअलाइज उस चीज का करें जो चाहिए, जो हमारा आउटकम है, जो हमारा रिजल्ट है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर तौसीफ आप ही मुझे बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं बीमार ना पड़ूं, तो आप मुझे बताइए क्या मेरी पॉजिटिव टॉक होगी? पॉजिटिव टॉक होगी कि मैं चाहता हूं कि मैं कंटीन्यूअसली सेहतमंद रहूं, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सेहतमंद और एक्टिव रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूं कि मेरा नुकसान ना हो, मैं चाहता हूं कि मैं मुनाफा बख्श काम करूं, मैं चाहता हूं कि मैं सूदमंद काम करूं। एब्सोल्युटली। मैं चाहता हूं कि आपस में मेरे झगड़ा ना हो फैमिली में। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी खुशहाल और पुरामन हो और हम सब मिलकर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में नाकाम ना बनूं। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में मैं बहुत खुशहाल और कामयाब रहूं और सबके साथ खुशपाश रहूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। आई एम श्योर कि आपने ये पॉइंट भी नोट कर लिया होगा। ओके, हम अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि विजुअलाइजेशन को हम अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए और अपनी कामयाबी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर हम किसी एरिया में मुतमईन नहीं भी है तो हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी रिश्तेदारियों को बेहतर कर सकते हैं। यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि आप में से अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जिनको बार बार बीमार पड़ जाते हैं, मैं चंद ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जानता हूं कम से कम 20 वर्षों से दोस्तों, कि वो बस बीमार पड़ते ही रहते हैं, बीमार पड़ते ही रहते हैं। फिर कुछ हुआ, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, फिर 2 महीने में फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ठीक है, और 20-25 सालों से मेडिसिन पर है ऐसे लोग, आप बताइए। तो अगर खुदा ना करे कि कोई ऐसा शख्स है तो होता क्या है दोस्तों, इस चीज को, ये बड़ा सीक्रेट है, ये बड़ा गौर से देखिए, ये बीमारियों का मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं और फिर मैं ये भी बताऊंगा उस बीमारियों से जान कैसे छुड़वानी है और सेहतमंद कैसे हासिल होना है। अब हुआ क्या दोस्तों कि अगर किसी की तबीयत पहली बार खराब हुई, ठीक है, पहली बार खराब हुई, भाई चेस्ट पेन होना, ठीक है, किसी को चेस्ट पेन हो गया, अब इमीडिएटली क्या होगा उसके जहन के अंदर, ओ माय गॉड, अगर किसी के पेरेंट्स को कहा कि यार मेरे बच्चे के साथ जो है ना उसको चेस्ट पेन हो रहा है, सबसे पहला कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, ठीक है, और फिर क्या हुआ, जैसे ये बोला, जैसे ये मैसेज हमारे माइंड तक हार्ट अटैक वाली सिचुएशन कंटेक्ट हुई, हमारा माइंड खट 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 इतना तेजी से विजुअलाइज करता है कि अगर उसको हार्ट अटैक नहीं भी है तो भी पता ना खासता वो उसको अटैक होने के पूरे चांसेस होते हैं।
अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा फियर डेथ, ठीक है, कि भाई क्या हुआ, भाई सारे हालात तो ठीक थे मगर वो खौफ में ही इस बंदा इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो जो लोग फियर डेथ हासिल करते हैं, अभी कोरोना में देखिए कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां लाखों लोग फियर डेथ की वजह से चले गए, उनको कोरोना नहीं था, इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसकी वजह ये थी दोस्तों कि जैसे ही इस पेंडेमिक का कोरोना के विजुअलाइजेशन नेगेटिव इमेजेस उनके जहन में पड़े, उन्होंने एंड रिजल्ट हासिल कर लिया। ओ माय गॉड, मुझे अगर कोरोना हो गया तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, और अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। आपने देखा दोस्तों, विजुअलाइजेशन से मेरी सोच बदल गई, मेरी फीलिंग्स बदल गई, मेरे एक्शंस बदल गए, मेरी टोनालिटी बदल गई, मेरी पूरी फिजियोलॉजी बदल गई। और जब हमने, आपने मेरे प्रीवियस सेशन में सुना है कि जब फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है दोस्तों, तो बॉडी हमारी साथ छोड़ देती है। तो जो लोग 25-30 सालों से बीमार है, उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो वो अपनी बीमारी के बारे में बार 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 नेगेटिव सोचते रहते हैं, मनफी सोच को रखते हैं पहली चीज, और फिर वो अपने आप से बात करते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ये मेरे पास ये जुल्म क्यों हो रहा है, और मजीद टिप चाहते हैं अल्लाह का अजाब होगा, बस मैंने अपनी जिंदगी में कोई गुना किया है, अब इसका अल्लाह अजाब मुझे दे रहा है। और फिर मजीद हर एक को बताते फिरते हैं, अरे यार मुझे तो बस हो गया, बस मुझे तो बरसों से ये है, ये तो कभी जाएगा नहीं, और ऊपर से डॉक्टर ने भी बोल दिया कि ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो अब आप देखिए दोस्तों कि आप मुझे ये बताइए कि इस तरह की इमेजिनेशन, इस तरह की सेल्फ टॉक, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की वॉइसेस, क्या ये जिंदगी आबाद करेगी या आपको बीमारियों का घर बनाएगी? डॉक्टर तौसीफ, अभी जो मैंने आपसे बात कही उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस इसका बता सकता हूँ जी, कि जैसे, और मैं मेडिकली करेक्ट बताऊंगा कि आपको नॉर्मली लोग डायबिटीज के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, और अक्सर और बेशतर लोग जिस बात को लोग बहुत कम समझते हैं वो ये है कि एंजाइटी एंड स्ट्रेस इटसेल्फ कॉजेस अ लॉट ऑफ डायबिटीज के परसेप्शन। और जब आप, और मजे की बात यह है कि एंजाइटी और स्ट्रेस बजाते खुद ईटिंग डिसऑर्डर भी कॉज कर रही होती है, तो आप मेटाबॉलिकली भी अफेक्टेड होते हैं। बिल्कुल, तो ये एक लिविंग फैक्ट है कि जो होता है वो बहुत ज्यादा आपका इम्पैक्ट आता है आपकी परसेप्शन का, आपकी एंजाइटी पे, और आपकी एंजाइटी का आपके मेटाबॉलिज्म पे। बिल्कुल इसी तरह से जब आप, जिन खवातीन को बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है और प्रेगनेंसी के अराउंड रहती है, तो अक्सर व बेशतर जो आमला खवातीन होती हैं वो बहुत दफा मिसकैरेज और अबॉर्शन से गुजरती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन बहुत होती हैं, और उस वजह से जो सप्लाई टू द ऑर्गन्स होती है वो इनकरेक्ट होती रहती है। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने की वजह से हाइपोक्सिया होता है, और जो बेबी बन रहा होता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपकी परसेप्शन इलनेस की रहती है तो आप एंग्जाइटी में रहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाता, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोजा एक बड़ा इस्टेब्लिश फैक्टर है कि जो लोग बहुत नर्वस और एंग्जाइटी और परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस में रहते हैं वो लोग खा पी नहीं पा रहे होते और उनको भूख मर जाती है। तो ये सारी वो सिम्टोमोलॉजी हैं जो शायद परसेप्चुअल डिसऑर्डर से शुरू होती हैं और फिर फिजिकल इलनेस में कन्वर्ट होती हैं, या फिजिकल इलनेस के फियर से शुरू होकर एंग्जाइटी में जाती हैं, और फिर जब हम उसे मजीद नेगेटिव अफर्मेशन से ऑगमेंट करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं। आप किसी के सामने किसी बीमारी का जिक्र करके देखें, 5 मिनट में सब अपने खानदान के जितने लोग मरे होते हैं उनका हिस्सा लेके बैठते हैं, कि एक एक्सीडेंट का बताएं तो वो सारे लोग उसी के नेगेटिव लेके बैठ जाते हैं। तो उससे ओके, मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको स्टॉप करता हूँ, क्योंकि जो जानना चाहता था वो मुझे मिल गया, जो लोग हमारे ऑडियंस जो जानना चाहती थी वो उनको मिल गया है। दोस्तों डॉक्टर तौसीफ ने भी जितनी भी बात की उनका कहना क्या था, एक थॉट, एक सोच आपको बीमार कर सकता, अगर आप उसको पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं, खूब फ्यूल करते रहते हैं,
और फिर जब लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो 25 कमेंट्स और आ जाते हैं, हाँ ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता, बस ये तो गया काम से। और दोस्तों ये तो सिर्फ हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, याद रखिए वेल्थ में भी ऐसा ही है, रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है, जो इंसान नाकाम है उसके लिए भी यही मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। आप जानते हैं दोस्तों हमारी बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनी है, कितने 60 ट्रिलियन, मुझे शायद कैलकुलेटर में इसका हिसाब नहीं आ सकता। जब एक माइंड हमारी बॉडी को सिग्नल देता है तो 60 ट्रिलियन सेल्स उसको क्रिएट करने के अंदर अपनी वर्किंग शुरू कर देते हैं। तो अगर आप यहां से नीचे सिग्नल जा रहा है खौफ का, डर का, बीमारियों का, नाकामी का, झगड़े का, तो 60 ट्रिलियन सेल्स को उसको ट्रू करना पड़ता है। और अगर यहां से नीचे विजुअलाइजेशन अगर पॉजिटिव जाती है हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, कामयाबी में, तो 60 ट्रिलियन सेल्स बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ उस रिजल्ट्स को क्रिएट करने में इंसान के जहन की मदद करते हैं, इंसान को एक्ट करने में मदद करते हैं, इंसान को अमल करने में मदद करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये विजुअलाइजेशंस की जो खूबी है वो क्या है, विजुअलाइजेशंस बनते किस तरह हैं। ओके दोस्तों, यहां पर जो आपके सामने स्लाइड आ रही है इस वक्त, गौर से इसको मैं एक दफा पहले पूरा पढ़ लेता हूं और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। यह कहलाती है एज इफ टेक्निक, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने ये सीखी थी और ये समझ लीजिए कि आज मेरा गिफ्ट है आपको। एज इफ टेक्निक को आप इस्तेमाल कीजिए अपनी अच्छी सेहत के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी माली हालात को बेहतर बनाने के लिए, अपने रिश्तेदारियों को बेहतर बनाने के लिए और कामयाब बनने के लिए। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, मेक अ मेंटल मूवी ऑफ व्हाट यू वांट। डॉक्टर कौशिक ने कहा ना, जो हम चाहते हैं उसकी मेंटल मूवी बनानी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बहुत अरसे से बार बार बीमार होता है, बार बार डॉक्टर के पास जा रहा है, लाखों रुपए खर्च हो गए अभी भी दुरुस्त नहीं हो रहा, ठीक है, तो सबसे पहले उसको इस बात का यकीन रखना होगा कि खुदावन ताला ने इंसान जात के अंदर, इंसान के जहन के अंदर हीलिंग पावर दिया हुआ है जो कि उसकी सेहत को बनाने में मदद कर सकता है। तो इस बात के यकीन के साथ वो अब मेंटल मूवी बनाना शुरू कर दे कि जैसे आप अगर किसी फिल्म के डायरेक्टर हैं और आप एक खूबसूरत मूवी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी ये वाली मूवी जो है सुपर हिट हो जाए और इससे मैं लाखों करोड़ रुपए अर्न कर सकूं, तो बताइए ऐसी मूवी बनाने के लिए आप क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तंदुरुस्ती की मूवी बनानी है कि अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल आज से हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरती मिनट के साथ, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते हफ्ते और हर गुजरते महीने के साथ अल्लाह ताला की रहमतों से ज्यादा तंदुरुस्ती, तवानाई, शफा, ताकत और राहत नसीब होती जा रही। इसको विजुअलाइज करें, इसकी वीडियो बनाइए कि कैसा लगेगा कि जब आप मुकम्मल सेहतमंद हो गए तो आप देखिए कि आपकी सेहत मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर आपने ये सोचना है कि सी एज यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, जैसे अगर आप स्पर्श कर लीजिए कि अल्लाह ताला की ऐसी रहमत हो गई कि आप मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए, तो आप क्या करेंगे, आप किस तरह से चलेंगे, आप किस तरह से लोगों से बात करेंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, आपकी बॉडी किस तरह से साथ दे रही होगी, आपकी ब्रीदिंग किस तरह से चल रही होगी, आप लोगों से किस तरह बात करेंगे, इन तमाम चीजों की मूवी बनाइए दोस्तों। और सबसे जो सीक्रेट है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, NLP का जो सीक्रेट है दोस्तों, वो ये है कि अगर आप अपने विजुअलाइजेशन में तीन चीजों को ऐड कर दें, ठीक है, तीन अपने सेंसेस को ऐड कर दें, वो सेंसेस क्या है, विजुअल्स यानी देखना, ऑडिटरी यानी सुनना, कैनेस्थेटिक यानी फील करना, फीलिंग्स हमेशा बॉडी में होती है, ठीक है, मैं दोबारा कहता हूं, देखना, सुनना और महसूस करना, अगर आप इन तीन चीजों को
अपनी विजुअलाइजेशन में शामिल करके एक खूबसूरत मूवी बना दें, एक बहुत ही बेहतरीन आला पाए की मूवी बना दें, तो आप यकीन कीजिए दोस्तों, मैं खुद एग्जाम्पल हूं, 25 साल का साइनस, 2 साल का डिप्रेशन थोड़े ही अरसे के अंदर गायब हो गया, बिल्कुल जीरो, तंदुरुस्त हो गया मैं, बिल्कुल। मैं आजमा कर आपसे बता रहा हूं, अगर आप भी 20-25 साल से किसी बीमारी का शिकार है दोस्तों, मेरी इस बताई हुई टेक्निक पर आप अमल कीजिए और आप देखिए थोड़े ही अरसे के अंदर, अच्छा ये थोड़ा अरसा कितना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़े ही अरसे के अंदर आपकी सेहत बेहतर होने लग जाएगी। और अगर ये काम अपनी वेल्थ की इंप्रूव के लिए करना चाह रहे हैं, आप देखिए आपको वेल्थ के जराए मिलने लग जाएंगे, आपको ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे जो आपको वेल्दी बनाने में आपकी मदद करेंगे। रिलेशनशिप अच्छे बनाने, यही मूवी बनाइए, इसी तरह की मूवी बनाइए और आप देखिए आपके रिलेशनशिप थोड़े ही अरसे में बेहतर होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आपका आउटकम पता होना चाहिए, आउटकम पता होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कह रहा है ओ माय गॉड मेरा 200 केजी वजन है और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ये कम से कम 125 किलो होना चाहिए, तो 75 किलो वजन घटाना ये आपका आउटकम है, ठीक है। और 125 किलो का वेट गेन करना या हासिल करना ये आपका आउटकम है। तो आपने इसी तरह विजुअल्स को बनाना है, वीडियो बनानी है, अपने आउटकम को देखिए एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट गोल, तो कैसा लगेगा आपको। और उसके अंदर अपने विजुअल्स को, मिसाल के तौर पर मैं तंदुरुस्ती की बात करता हूं, तो आप देखिए कि आप कितने तंदुरुस्त हैं, चेहरे पे कितना रेडनेस, कहते पे कितने खूबसूरती है आपके, हैं आपका ब्लड कितना खूबसूरत तरीके से चेहरे पर रश कर रहा है, आप गौर से देखिए आपके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है, आपका कलर, आपके फेस का कलर शाइन कर रहा है, आपकी बॉडी का एक एक सेल आपको मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने विजुअल को इस तरह से ऐड कीजिए। उसके बाद ऑडिटरी, आवाज सुनिए कि आप अपने अंदर उस आवाज को जनरेट कीजिए कि आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। इसका आपने क्या करना है कि आपने बार बार अपनी आवाजें सुननी है और आपने साथ में आवाजों के सुनने के साथ विजुअलाइज कीजिए कि आपके 60 ट्रिलियन सेल मुस्कुरा रहे हैं, आपके 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर से थैंक यू की आवाजें आ रही है। और इसी तरह थर्ड क्या था, काइनेस्थेटिक फीलिंग्स, एहसास पैदा कीजिए कि आप इतने तंदुरुस्त हो गए हैं कि अब आप बेहतरीन काम करने को तैयार हैं, इस दुनिया के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करने को तैयार हैं, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए तैयार हैं, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी को सुधारने के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों की मदद करने के लिए आप तैयार हैं। क्योंकि जब तक आप बीमार थे ये नहीं कर पाए, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बदौलत आपको शफा हो गई है, आपने मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसका सिला आपको अता फरमाया। तो चौथी बात जो कि शायद मैं इस पर लिखना भूल गया हूं, बल्कि लिखी हुई है, बेनिफिट्स देखिए दोस्तों कि जब आप मुकम्मल सेहत याब हो गए तो बेनिफिट क्या हो रहा है आपको, आप किस तरह से फायदा हासिल कर रहे हैं अपनी तंदुरुस्ती का। जितना बड़ा आपका बेनिफिट होगा उतने जल्दी आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। अक्सर लोग पूछते ना कि अगर मैं आज विजुअलाइजेशन करना शुरू करूं तो इसका रिजल्ट मुझे कितने अरसे में मिलेगा। इसका जवाब ये है दोस्तों कि जितनी फीलिंग्स आपकी स्ट्रांग होगी, जितने विजुअल्स आपके कलरफुल होंगे, जितनी आवाजें खूबसूरत होंगी, उतना ही जल्दी आप अपने आउटकम को हासिल कर सकेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने रिजल्ट को हासिल कर सकेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि सी योर सेल्फ सर्विंग द ह्यूमैनिटी। आप देखिए कि जब आपको तंदुरुस्ती मिल गई है आप लोगों की भलाई के लिए भी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी जात को बेहतर बनाना है, अपनी फैमिली मेंबर्स की मदद करनी है, और आप देखिए कि आप इतना आगे बढ़ गए हैं कि आप मेरे फैमिली मेंबर्स अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और मेरे पास अब इतना वक्त है कि मैं लोगों को सर्व कर सकता हूं या सर्व कर सकती हूं। और इसी तरह देखिए, अपनी आवाज को सुनिए और अपनी फीलिंग्स को जितना हो सके मल्टीप्लाई कीजिए।
तो अभी हम थोड़ी देर के अंदर अच्छी सेहत के लिए विजुअलाइज करेंगे इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए। मगर आप में से एक या दो लोग अभी सामने स्क्रीन पर आकर मुझे बताइए कि क्या ये बात मैं आपको बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर पाया हूं या आपने मजीद कुछ क्लैरिटी चाहिए। इससे मेरा एक क्वेश्चन था जी। तो जैसे कुछ मतलब मेंटली इल कुछ होते हैं लोग, वो ना फील नहीं कर पा रहे होते, देखिए तो उनको अच्छा सवाल पूछा आपने। जितने लोग मेंटल इशू है जिन लोगों को, ठीक है, वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको उससे पहले ट्रीटमेंट की जरूरत है जो कि कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसकी मदद कर सकता है, ठीक है। जो लोग मेंटली डिसऑर्डर है, जाहिर है ये काम उनके लिए काम नहीं आता। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ तवज्जो दिलाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। और कोई सवाल है तो ठीक है, वरना हम आगे बढ़ेंगे। रोजमीन आपको समझ में आ रहा है? एमन आपको ये बातें समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल समझ आ रहा है। ओके यस शिमिन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर बट यस सर बट ये बार अभी जो उन्होंने एक मिनट सॉरी पहले मैं फर्स्ट कंटिन्यू डेट। ओके नो आई वाज जस्ट सेइंग दैट आई वाज जस्ट अमेज्ड जस्ट यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम अबाउट visualization and everything that you said, I repeated to her, but I never realized that I was saying exactly what you said. So whatever your teachings are amazing. Alhamdulillah. And I'm going to send her this video just to confirm to her that whatever I told her was right. Look, Shimin, I always say to all my friends like you that we have some divine connection. Totally. You know, we are connected purposely. It's yes. not just hodgepodge ke chalo yaar dekhte hain kya bol raha hai ye banda. No, yeah. it's not like that. We are divinely connected and there is a purpose behind it, and you are following your purpose and I'm following my purpose, and you are serving your purpose and I'm alhamdulillah serving my purpose. Shukran alhamdulillah. So, inshallah you will see the result. Ameen. Rozbeen aap kuch keh rahi thi. Ji Dr. Sir aap kuch keh rahe the. बस रमजान भाई मैं इतना ही कह रहा था कि आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी। मेरा सिर्फ एक ही कंटेंशन है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज के साथ ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज़्यादा नहीं काम कर पाता, और ये मैंने इसके रिसर्च आर्टिकल्स भी देखे कि लोग नॉर्मली परसेप्शन के ही डिसऑर्डर्स में होते हैं और नॉर्मली उनकी थिंकिंग प्रोसेस को ही स्लो किया जा रहा होता है मेडिसिन के थ्रू, तो इसलिए लोग नॉर्मली उस स्पेस में जा नहीं पाते। अगर कोई अर्ली डायग्नोसिस फेज में हो तो उस सूरत में बहुत मुमकिन है कि कुछ मदद मिल जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे ट्रीटमेंट हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए जाहिर है एक कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर के पास जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही उन लोगों की मदद कर सकता है। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अभी हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं सेहत के लिए, ठीक है। आप इसको इस विजुअलाइजेशन को बेंचमार्क बनाकर अपनी है अपनी वेल्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरे इस आज के सेशन को समराइज कर देता हूं एक मिनट के अंदर कि इंसान की विजुअलाइजेशन उसकी जिंदगी को बनाने में अहम किरदार अदा करती है। उसके हालात जो आसपास हालात है उसको बनाने में उसके लिए बहुत ही असरअंदाज साबित होती है। इसलिए अगर आप विजुअलाइजेशन को बनाना सीख लें अपनी फेवर में, तो वो उसी तरह से काम करके आपकी वो विजुअलाइजेशन आपकी उसी दुनिया को तख्लीक कर रहा होता है। विजुअलाइजेशन कैसे बनता है? सबसे पहले आपको आपका आउटकम पता होना चाहिए, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त होना है, ठीक है। अगर वेल्थ में तो भाई मुझे पर मंथ इतना अर्न करना है, ठीक है। रिलेशनशिप में तो अब मैं चाहता हूं कि मेरी रिलेशनशिप इस लेवल तक पहुंच जाए। आपको आपका सबसे पहले आउटकम पता होना चाहिए। नंबर टू, आउटकम की मूवी आपको डायरेक्ट करनी है, मूवी बनानी है, ठीक है। मूवी कितनी खूबसूरत होनी चाहिए इस सबको पता है कि जितनी कलरफुल मूवी हो, ठीक है, आवाज जितने साउंड इफेक्ट जितने खूबसूरत हो, ठीक है,
उसके अंदर ब्राइटनेस बहुत खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है, वो एक पैनोरामिक होनी चाहिए, कोई एक स्टिल नहीं होनी चाहिए, और जिस जितनी खूबसूरत आप मूवी बना सकते हैं, जितने विजुअल इफेक्ट डाल सकते हैं, तो विजुअल और ऑडिटरी मिलके हमारी फीलिंग्स को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेंटल मूवी को जानदार बनाइए, और उसके अंदर आप अपनी विजुअल्स को खूबसूरत बनाइए, अपनी ऑडिटरी को, अपनी आवाजों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्लेजेंट बनाइए कि जो सुनने से आपको बहुत ही खुशी महसूस हो। मिसाल के तौर पर कभी कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना कि यार आप माशाल्लाह बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं आज, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ यार आप बड़ी खूबसूरत मालूम हो रही हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है, ठीक है ना। तो वो आवाजें उसके अंदर डालिए, और जब जब पिक्चर्स खूबसूरत होगी और आवाजें बेहतरीन होगी तो इंसान की फीलिंग्स आउटस्टैंडिंग होगी, उसके 60 ट्रिलियन सेल्स से कॉन्ग्रेचुलेशंस की आवाज आ रही होगी, ठीक है, और पूरी अल्लाह की कायनात भी उसको मुबारकबाद दे रही होगी, ठीक है। और चौथी बात, इसका मैं एक साइंटिफिक आपको रीजन भी बता देता हूँ, वो ये है कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो बेहतरीन ऑक्सीजन से रेगुलेट होते हैं, और बेहतरीन ऑक्सीजन बेहतरीन ब्रीदिंग से आती है, और बेहतरीन ब्रीदिंग हमेशा बेस्ट मेंटल स्टेट के अंदर ही हो सकती है। लिहाजा जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपकी ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव कर जाती है, लिहाजा आपके सारे सेल्स आपके साथ सिंक में काम करते हैं। वेरी गुड एक्सीलेंट। और सबसे आखिरी चीज शायद मेरे जहन से निकल के मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आउटकम पता हो, नंबर टू मेंटल मूवी बनाइए, मेंटल मूवी डालते हुए विजुअल ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक यानी देखना सुनना और महसूस करना जितना ऐड कर सकते हैं उतना ऐड कीजिए। नंबर चार, आप ये देखिए कि जब वो आउटकम मिल गया तो आपको बेनिफिट क्या होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में पेन और प्लेजर को देखा था, तो वो आप प्लीज दोबारा सुन लीजिए अपने विजुअलाइजेशन को और बेहतर बनाने में। वो जो 5 सवाल हमने डिस्कस किए थे, वो 5 सवाल को मद्देनजर रखिए, आपका विजुअलाइजेशन बेहतरीन बनेगा। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अगर मुमकिन हो पुरसुकून हालत में बैठ जाइए, ठीक है, अपने हाथों को अनक्रॉस रखिए, अपने पैरों को भी अनक्रॉस रखिए, ठीक है, और चप्पल को उतार दे अगर आपने हाथ में घड़ी वगैरह पहनी है। ये मेरा जाती आपको मशवरा है, बाकी पहने रखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, मगर कोशिश करके अपनी बॉडी को जितना कंफर्टेबल हो सके वो कंफर्टेबल बनाने के बाद इस अफर्मेशन पर, इस विजुअलाइजेशन को आप देखना शुरू करें। अभी हम सेहत के बारे में विजुअलाइज कर रहे हैं ताकि इंशाल्लाह हम सब लोग तंदुरुस्त हैं आई एम श्योर मजीद तंदुरुस्ती हासिल कर सकें। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई इश्यू भी है तो आज वो विजुअलाइजेशन की बदौलत हमारी दुआ है अल्लाह ताला उसको भी तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ओके, तो यहाँ पर अभी हम एक काम करते हैं दोस्तों, आप सिर्फ थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक है, हम सिर्फ 5-10 सेकंड का ब्रेक देता हूं मैं आपको, और अब ये लाइव विजुअलाइजेशन होगा, आप सिर्फ पानी पीकर आ जाइए। बहुत शुक्रिया। ओके फ्रेंड्स, अगर आप आ गए हैं तो प्लीज मुझे डिजिटल हैंड रेस करके बता दें। सना इज बैक, तौसीफ इज बैक, इतरब
Shimon is back. Meer is back. Okay. Okay, friends. अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये आप मत कीजिए प्लीज, ठीक है। अगर आप कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो आप चाहे तो उसको रोक दें, या इसको विजुअलाइजेशन ये आपकी यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी और आप उसको बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप बिल्कुल पुरसुकून हालत में बैठ जाइए। ओके फ्रेंड्स, अभी हम अपनी बेहतर सेहत के लिए विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पुरसुकून अंदाज में बैठ जाइए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकते हैं जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं। और अपनी आंखों को बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बंद कर दीजिए और 3 मर्तबा गहरी सांस लेकर बहाल कीजिए। 1 more time, 1 more time. That's right. Now feel completely relaxed. अपने आप को पुरसुकून हालत में महसूस कीजिए इंशाल्लाह। और विजुअलाइज कीजिए कि आज अल्लाह ताला की रहमतों की तुफैल तंदुरुस्ती हासिल करने का एक नॉलेज आपको नसीब हो गई है, जिसके लिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। और विजुअलाइज कीजिए कि अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल आप मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो रहे हैं। हर गुजरती लम्हे के साथ, हर गुजरती मिनट के साथ, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते हफ्ते महीनों के साथ साथ आप हर पल और ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्त होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला की रहमतों की तुफैल आपको रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्ती नसीब होती जा रही है। अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल आपको रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा तवानाई नसीब होती जा रही है। अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल आपको रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा शफा नसीब होती जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए कि जैसे जैसे तंदुरुस्ती हो रही है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने गौर से देखिए कि जैसे ही आपकी सेहत बेहतर होती जा रही है, आपके चेहरे पर कितनी रोशनी नसीब हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी पूरी बॉडी के अंदर किस कदर खुशी की लहर दौड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनिए अपनी आवाजों को, अपने दिल ही दिल के अंदर देखिए और बोलिए अपने आप से कि आई एम बिकमिंग better and better every day. I am becoming healthy, energetic and young. I am becoming healthy, energetic and young. Alhamdulillah. और तंदुरुस्ती को महसूस कीजिए अपनी पूरी वजूद के अंदर। देखिए आपके 60 trillion cells की अंदर से आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है, आपके दिल में कितनी खुशी है, आपके दिल में कितना सुकून है इस वक्त। और ये तमाम की तमाम रहमतें अल्लाह ताला की रहमतों की तुफैल मुमकिन हो पाया। बोलिए कि अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल मुझे रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्ती, तवानाई, शफा, ताकत और राहत नसीब होती जा रही है। अल्लाह ताला की रहमतों से मुझे रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्ती, तवानाई, शफा, ताकत और राहत नसीब होती जा रही है। विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने रिश्तेदारों को यही जुमला कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है अल्लाह ताला की रहमतों से मुझे रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्ती, तवानाई, शफा, ताकत और राहत नसीब होती जा रही है। That's right. और देखिए कि जैसे जैसे आप तंदुरुस्त होते चले जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपने बच्चों को परवान चढ़ाने में, उनकी नशोनुमा को बेहतर करने में आप उनकी मदद कर रहे हैं।
और देखिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, आपके पास अपनी रोजी का एक जरिया है, आपके पास अपनी कामयाबी का एक जरिया है। देखिए कि जैसे जैसे आपकी सेहत बेहतर होती जा रही है, आपके माली हालात भी बेहतर होते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे आपकी सेहत बेहतर होती चली जा रही है, आप देखिए कि आपकी रिश्तेदारियां बेहतर होती चली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर रहे हैं। देखिए कि लोग आपको बुला रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि यार 25-30 सालों की बीमारियों से आपने किस तरह निजात हासिल करके आपने तंदुरुस्ती हासिल की। आप सब हर एक को बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बदौलत मैंने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया, और जैसे ही मैंने विजुअलाइजेशन शुरू किया मेरे माइंड ने मेरी बॉडी को हील करना शुरू कर दिया, और मेरी माइंड का वो पावर कि जो अल्लाह ताला ने मुझे बचपन से इनायत किया था और शायद हम भूल गए थे, मगर आज अल्लाह ताला की रहमतों से इस पावरफुल विजुअलाइजेशन की बदौलत मैंने अपने हीलिंग पावर को हासिल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कि सोसाइटी के अंदर आपका एहतराम बढ़ता चला जा रहा है, सोसाइटी के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, सोसाइटी के अंदर आपकी अच्छी सेहत की वजह से लोगों को अच्छी सेहत मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए और सुनिए इस बात को कि हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, अरे वाह आप तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं, अरे वाह आप तो बड़े खूबसूरत हो गए हैं, अरे वाह कितना खूबसूरत लिबास आप पर जच रहा है बिल्कुल, और आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह ताला की रहमत। और महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन क्रिएट हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर एक तंदुरुस्ती का एहसास नसीब हो रहा है, आपके 60 ट्रिलियन सेल्स मौज और मस्ती कर रहे हैं, आपके पूरे वजूद के अंदर से थैंक यू की आवाज आ रही है, थैंक यू एंड थैंक यू की आवाज आ रही है, आपका इम्यून सिस्टम आपका थैंक यू अदा कर रहा है, आपकी हार्ट बीट्स आपका थैंक यू अदा कर रही है, आपके लंग्स आपका थैंक यू अदा कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी का एक एक पार्ट आपको थैंक यू कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दोहराते जाइए बार बार इस जुमले को कि अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल मुझे रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्ती, तवानाई, शफा, ताकत और राहत नसीब होती चली जा रही है। देखिए आपके चेहरे पर कितनी तंदुरुस्ती है, देखिए आपकी बॉडी में कितनी शफा है, देखिए आपके अंदर इतनी तवानाई है कि आप उस तवानाई को लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को तरकीब दे रहे हैं, लोगों को तंदुरुस्त करने के गुर बता रहे हैं, लोगों के साथ जाके आप उनको ट्रेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए कि जब इतनी तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की रहमतों से आपको नसीब हो रही है तो आपकी जिंदगी के हालात बड़े खुशगवार हो गए। देखिए और सुनिए और महसूस कीजिए कि आपके माली हालात रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा बेहतर होते चले जा रहे हैं। जिस तरह एक बहुत खूबसूरत फ्लावर, एक गुलाब का फूल जिस तरह ग्रो करता है, आपकी सेहत बिल्कुल उन गुलाब के फूलों की तरह हमेशा हमेशा के लिए तंदुरुस्ती आपको नसीब कर, आपकी रिश्तेदारियां बेहतर हो रही है, आपकी माली हालात बेहतर हो रहे हैं, आपका सोसाइटी के अंदर मकाम बेहतर हो रहा है। जो लोग पहले आपसे किसी भी वजह से नाराज थे, अब वो आपकी सेहत की वजह से आपको मोहब्बत करते हैं, आपको प्यार करते हैं और आपके लिए भी दुआएं करते हैं और आप भी उनके लिए दुआएं करते हैं। लेट्स इंजॉय ऑल दिस फीलिंग्स, इंजॉय कीजिए। कैसा लगेगा अगर आपकी ये तमाम की तमाम फीलिंग्स मल्टीप्लाई हो जाए, कैसा लगेगा कि आपके ये खुशियों की आवाज और ज्यादा बढ़ जाए, कैसा लगेगा कि अगर आपकी ये विजुअल्स और ज्यादा खूबसूरत हो जाए। That's right. Now enjoy these feelings. Enjoy these beautiful memories. Enjoy these beautiful voices. और अपने आप को सजदा शुक्र के अंदर देखिए कि अल्लाह ये सारी रहमतें तेरी ही रहमतों की तुफैल है, ये सारी तंदुरुस्ती, तवानाई, शफा, ताकत, राहत, ये सब तेरी रहमतों के ही तुफैल है, और अपनी रहमतें हम पर और हमारे पूरे खानदान पर और हमारे तमाम लोगों पर, तमाम इंसानियत पर हमेशा हमेशा बनाए रखना, आमीन। नाउ ओपन योर आईज एवरीबॉडी, अपने आवाज, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और सबको कहिए मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह, यू लुक सो हेल्दी, यू लुक सो ब्यूटीफुल, योर स्माइल इज वेरी ब्यूटीफुल। तमाम लोग अपने आप को अनम्यूट करें और हर एक के साथ कुछ ना कुछ जरूर कमेंट करें। माशाल्लाह
Mashallah, Dr. Kaufik, you look so beautiful, mashallah. You look so handsome. Looks so wonderful. Alhamdulillah. Dekhiye kitni roshni aapke chehre par. Congratulations everyone for new health. Alhamdulillah. For new beginning, new life. Absolutely. Congratulations. Alhamdulillah. Bataiye, kaun batayega? Aman, bataiye kaisa laga aapko? Is par body mein kya chal raha hai bataiye? सर बहुत स्पेशल फील हो रही है कि सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है और बहुत स्पेशल फील कर रही हूं मैं. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. नाहिद, अगर आप तक आवाज पहुंची तो आप बताइए कैसा लग रहा है. जी सना, आप तो एक्सपर्ट हो गई हैं, बताइए कैसा लग रहा है. तो सर इतने सुकून हो गई थी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ओके शिमिन ने तो बता दिया. इरम, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको. मुझे बहुत पुरसुकून भी था, खुशी भी थी और पुरसुकून भी था बहुत. दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. अब हुआ क्या, जिस तरह डॉक्टर तौसीफ ने बताया कि एक थॉट जो होता है वो इंसान को बना सकता है. अब आप देखिए बॉडी के अंदर अपनी हार्ट बीट्स को महसूस कीजिए, अपनी पल्पिटेशंस को महसूस कीजिए. देखिए अंदर से थैंक यू की आवाजें आ रही होगी, अंदर से खुशी की लहर दौड़ रही है. उसको अगर आप इस विजुअलाइजेशन को अगले एक महीने तक रोजाना करते रहें, आपको मैं यकीन से कहता हूं कि थोड़े ही अरसे के अंदर आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे. और अगर आप मुझसे कोई मदद चाहते हैं तो मैं आपके लिए हमेशा से दस्तयाब हूं. तो आज चूंकि बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, हम तमाम लोगों की इसी फीलिंग्स के साथ हम रुखसत होते हैं. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को आला पाए की तंदुरुस्ती अता फरमाए, जिंदगी के आखिरी सांस तक हमेशा हमेशा तंदुरुस्त तवाना और शफा और ताकत और राहत हमें नसीब फरमाता रहे, और हमारी बदौलत इस इंसानियत का भला हो, और हमारी बदौलत हम कोई बेहतरीन कंट्रीब्यूशन इस जिंदगी से करके गुजरे. दोस्तों अनाउंसमेंट है, कल भी हमारे पास तकरीबन एक से डेढ़ घंटे का लाइव कोचिंग का सेशन अवेलेबल है आपके लिए, जहां पर मेरे कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगा, जहां आपको अगर कोई भी स्टक पॉइंट है अपनी जिंदगी का, या अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, माइंड के हवाले से, आज के सेशन के हवाले से, तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे. कल इंशाल्लाह 8 बजे आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz. Thank you very much, Ramzan.